चलो भाई स्टार्ट करें, और एक बार ये लिख लो, फोर्स ऑन माइनस टू कूलम बिकॉज ऑफ फोर कूलम, माइनस टू कूलम, फोर्स ऑन माइनस टू कूलम बिकॉज ऑफ या ड्यू टू फोर कूलम, और इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बस ये क्वेश्चन कर लेते फिर नया टॉपिक करेंगे। तो इसमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स, सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं कोऑर्डिनेट्स, और मुझे लगता है इसके कोऑर्डिनेट लिखना बहुत आसान है फोर कूलम के, ठीक है, फोर कूलम के कोऑर्डिनेट लिखना कोई मुश्किल नहीं। देखो आपको ये देखना होता है आप चले, आप फोर कूलम तक पहुंचे कैसे, चलो पहुंचते हैं, सुनो आज कोऑर्डिनेट लिखना भी सीख लो इस वाले क्वेश्चन से भी, फोर तक पहुंचना है, लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकते, आप लाइन एक्सिस के लॉन्ग ही चलोगे, कैसे चलना है बताओ, राइट चले पहले, तो एक्स में कितना चले आप, टू, फिर इधर टू, ये कौन है जेड, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, टू एक्स, एक्स में तो टू, वाई में जीरो और जेड में टू, सेंटीमीटर में ध्यान रखना, बताओ कोऑर्डिनेट में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा कर देगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा बता दूंगा, कोऑर्डिनेट में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख लेते हैं। आप पहले इधर गए, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स, तो एक्स का टू लिख दिया, क्या वाई में कहीं भी गए, क्या ऊपर गए, नहीं, तो वाई का जीरो लिख दिया, फिर आप इधर चले, ये कौन सी एक्सिस है, जेड, तो जेड का टू लिख दिया, आ गया समझ में, अब ऐसी सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख के दिखाओ, सोचो जरा, सेंटर तक पहुंचने की कोशिश करो, चाहो तो इस कमरे को एक्सिस ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ये ओरिजिन ले लो, देखो ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, मुझे वहां पे जाना है जहां पे ट्यूबलाइट है, तो पहले मैं इधर, फिर इधर, फिर ऊपर, बहुत ध्यान से, पहले इधर, फिर इधर, फिर ऊपर, आराम से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, इसमें दिखाऊंगा, पहले पहले रियल लाइफ में दिखा रहा हूं, फिर इसमें दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा मेरे लिए 3D में थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट मैं दिखा दूंगा आपको, देखो आराम से सुनो, मैं ओरिजिन पे आ जाता हूँ, मान लो मैं ओरिजिन पे हूँ और मुझे ट्यूबलाइट तक पहुँचना है, सुनो ट्यूबलाइट तक पहुँचना है, ये एक्स एक्सिस है, तो मैं चला एक्स में, कितना चलाऊंगा, वन, और जब ऑब्वियसली बीच में है ना सेंटर, तो आधा भाई इससे आगे चला जाऊंगा तो क्या फ़ायदा, मुझे तो उधर जाना है ट्यूबलाइट के पास, वन, फिर मैं इधर चला, ये कौन सी एक्सिस में चल रहा हूँ, जेड, जेड, दोबारा दिखा देता हूँ, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, क्यों मैं 3D पे इतना जोर दे रहा हूँ, अगला टॉपिक जो है वो 3D वाला ही है, पता है, तो 3D काम आने वाला है और ये मैं बहुत यूज करूंगा, इसको मैं एक्स लूंगा हमेशा, इसको वाई लूंगा, बिल्कुल ऐसे इसको एक्स लूंगा, इसको वाई, ये वाली दीवार वाई, ये कमरे की दीवार तुम्हारी यही रहेंगी, अब ये बहुत यूज होने वाला है अगले टॉपिक में, पता नहीं आज कितना पढ़ पाएंगे वो एक अलग बात है, बट जब भी पढ़ेंगे, आज वाला नहीं आएगा कल के टेस्ट में, ठीक है, आज क्योंकि हम फ्लक्स पढ़ेंगे, अगर पढ़ पाए तो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है, मैं अभी ओरिजिन पे आ गया, ये मेरी ओरिजिन मान लेता हूँ यहाँ पे, वैसे वो है ओरिजिन, ठीक है, मैं चला, अब मैं किधर जा रहा हूँ बताओ, एक्स, कितना, वन, अब मैं किधर जा रहा हूँ, जेड, कितना, वन, अब मैं उड़ रहा हूँ, पहुंच गया, देखो टू की वन, टू, तो क्या लिखूं, तो क्या मुझे इसमें समझाने की जरूरत है, इसमें बनानी, वन टू वन ना, जेड में वन, एक्स में वन और वाई में टू, क्या मुझे इसमें बना नहीं पाऊंगा, मतलब अच्छा सा नहीं बनेगा, और कुछ नहीं है, नहीं तो ऐसा कुछ हो रहा है शायद, एक्स में वन, ठीक है, फिर पूरा ऊपर चले गए, पूरा ऊपर है ना, और फिर वापस ऐसे इस तरफ, ये चीज यहां नहीं है, ये इस तरफ है बाहर की तरफ, z बाहर की तरफ है वन, तो यहां मैं बेटर समझा पाऊंगा, आ गया या नहीं, वन वन टू, ये जो सेंटर है ये ओरिजिन के पीछे नहीं है, ये ओरिजिन से आगे है, ये जो दीवार है ये आगे निकली हुई होगी, समझ गए, वो मैं बना नहीं सकता, या तो बहुत अच्छा, या तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट चाहिए उसके लिए, तो जो 3D फिगर दिखा देते ना, कई बार आपने ऐसी टी शर्ट्स आती हैं, बिल्ली निकली हुई है बाहर की तरफ, तो वो सब चीज़ें बनाना इतना आसान नहीं है ना, वरना वही काम करते फिर ये क्यों करते, ठीक है, वन टू वन, बस अब तो अब क्वेश्चन कुछ नहीं रहता, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता,
क्वेश्चन हो जाता है अब माइनस टू कूलम पर फोर कूलम की फोर्स निकालनी है। जो नए बच्चा भी कोई आया होगा तो एटलीस्ट चलो कोऑर्डिनेट लिखना सीख लिया उसने। और क्योंकि एक्सिस बहुत यूज होने वाली है, एक बार लास्ट बार और बता रहा हूँ, ये ओरिजिन था और मैं पहले एक्स में गया वन, ठीक है, फिर इधर वन और फिर ऊपर टू। कल को कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा, मैं और प्रैक्टिस नहीं करा सकता, दो करा दिए कल और एक आज, इसमें लगभग सब आ गया है। अब फोर्स कैसे निकालें? के मैंने बोला था साइन लेंगे इस बार फोर कूलम माइनस टू कूलम, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे वेक्टर आएगा, वेक्टर लिखने जा रहे हैं, बोलो क्या लिखे, किस पे निकालनी है फोर्स? जो बच्चे कल थोड़े से परेशान हो रहे थे, किस पे निकालनी है फोर्स? इस पर निकालनी है, ध्यान रखना इस पर निकालनी है माइनस टू कूलम पर। तो ये मेरा एक्स टू होगा बस, और ये फिर क्या होगा, तो मैं यहां से यहां माइनस करूंगा, वन माइनस टू माइनस वन आई, फिर टू माइनस जीरो टू जे, फिर वन माइनस टू माइनस के, और नीचे क्या आएगा, इसी के मॉड का क्यूब, क्यूब क्यूब भूल गए, इसी के मॉड का क्यूब। इसका मॉड क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, प्लस माइनस वन का स्क्वायर, और उसका पहले रूट और फिर क्यूब। अगर कुछ सिंपली, वैसे तो अब इस पे ही आपको ना पांच मार्क, मान लो तीन मार्क का क्वेश्चन है, दो मार्क्स तो मिल गए 100%, बल्कि ढाई भी मिल गए। अब तो छोटा सा बस सिंप्लीफाई करना रह गया, करना चाहो तो करना चाहिए वैसे, और कर देते हैं। के की वैल्यू डाल देते हैं, इंटू एट माइनस, इधर कितना आ गया, माइनस वन का स्क्वायर, वन प्लस वन इज टू, और फोर सिक्स, तो रूट सिक्स का क्यूब। इस बार मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, सिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता मैं, थोड़ा बहुत कुछ करूँगा कोई फायदा नहीं, बस इतना ही छोड़ दो, कोई बात नहीं, इतने मल्टीप्लाई कर सकते हो, 72 लिख सकते हो, प्लस टू जे माइनस के, ऐसे ऑप्शन दे रखा होगा एग्जाम में। ये आ गई फोर्स वेक्टर फॉर्म, बोलो कोई प्रॉब्लम? तो खेल किसका है, कोऑर्डिनेट लिखने का। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं, यहाँ हम इसको एंड कर रहे हैं और नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो हमने अब तक पढ़ लिया कूलम्स लॉ एंड चार्ज थ्योरी, ठीक है, हम एक काम ज़रूर करेंगे, अब अगले फ्राइडे तक अब हम गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ेंगे, गॉस लॉ चलेगा अगले फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को हम जो अब तक पढ़ा कूलम्स लॉ और इस पे, और गॉस लॉ भी जो भी पढ़ लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उस फ्राइडे को, है ना, ये जरूर बीच बीच में हम ये प्रोसेस करते रहा करेंगे, बेसिक हो गया हमारा। कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने डीपीपी में डाल दिए, हार्ड वाले सॉल्यूशंस भेज दिए थे, लगभग सबके पास पहुंच रहे हैं, वो काफ़ी हार्ड है, जैसे ट्राइंगल वाला था एक, ठीक है, तो थोड़े बहुत हार्ड भी करते रहो, ऐसी बात नहीं है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर, हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना। अब एक टॉपिक आता है, आज थ्योरिटिकल टॉपिक पढ़ेंगे और फिर फ्लक्स पढ़ेंगे, लिख लो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब माइनस का क्या करना है, माइनस कॉमन ले ले, हाँ बिल्कुल ले सकते हो आप इसको, माइनस को, इस वाले माइनस को सुनो, ये कह रहे हैं इस वाले माइनस का कुछ कर सकते हैं, हाँ इसको अंदर ले जा सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, ये क्या बन जाएगा, माइनस, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और हो सकता आंसर इसमें दिया हो, ठीक है। और कोऑर्डिनेट लिखने आए भाई फाइनल, या अभी भी कोई है, प्रैक्टिस इसी तरह चलनी है, ये कमरा ले लेना, जब एग्जाम भी दे रहे होंगे आप फाइनल कभी कहीं, तो उस कमरे को अपनी ओरिजिन बना लेना जरूर, क्योंकि ओरिजिन ज्यादातर यही देते हो, कल मैंने जान पूछ के वाली दी थी ऐसी प्रैक्टिस के लिए। चलो नेक्स्ट लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब थोड़ा थ्योरेटिकल है टॉपिक, और क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये अगर किसी को पता है तो मुझे बता सकता है, हम इनको ना EFL बोलेंगे, EFL, तो कहीं शॉर्ट में बोलूँ तो आप घबराना मत, सर ये क्या है बोल रहे हो आप, तो EFL बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ ये बहुत पढ़ना है, और ये सबसे मतलब मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, पहले लिख रहा हूँ मैं, बोर्ड्स जब बोल देता हूँ तो कॉम्पिटिशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम लिखने जा रहे हैं एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या, उसी के अंदर हम उसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, तो मैं लिखने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और आज की क्लास हो सकता है इसी में निकल जाए, मुझे कम से कम 6-7 प्रॉपर्टी पढ़ानी है पहली, उसमें मैं डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ, कौन बताएगा,
मुझे लगा आंसर देने वाले. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, मुझे माफ कर. चलो चलो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है वैसे भी. चलो, मेरे हाथ जोड़ते हुए फिर फोटो आ जाएगी. बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? आंसर दो भाई. अब मैं पहले आंसर, फिर बंद करूंगा पंखा. अब तब बंद करूंगा. हाँ देखो, आया ना आंसर. जब गुस्सा आता तो है, बहुत लोग चुपचाप बैठे रहते हैं. बोलो. हाँ कुछ बोला आपने, आप बोलो. फैन आपकी, बाहर वाले आपके हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी दुनिया. आप अपने आप जाइए, अपने आप बंद करो. चलो पहले पहले प्रॉपर्टी सुन लो. पहली इसकी डेफिनेशन है कि होता क्या है, बहुत अच्छे से समझना है. मान लो कोई चार्ज है, उसको हम छोड़ दें, जैसे आपको तूफान में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, या पानी में छोड़ दिया जाए तो जैसे जैसे पानी चलेगा आप उधर ही बहते चले जाओगे. तो होता क्या है, अगर चार्ज को ऐसे छोड़ दिया जाए और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस कमरे में, और यहाँ चार्ज को छोड़ दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर है और चार्ज को यहीं पर छोड़ा, तो चार्ज इधर भागने लगेगा, है ना? होगा नहीं होगा? फोर्स लगेगी ना. कल ही तो पढ़ा था क्यू ई फोर्स लगेगी, याद करो. अगर चार्ज को छोड़ दें, क्यू ई क्वेश्चन करा है हमने तो, और अगर नेगेटिव चार्ज को छोड़ दें तो वो इधर जाएगा, माइनस नहीं लगाएंगे, इधर आएगा. खैर नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है. इस चार्ज को बोलते हैं टेस्ट चार्ज. तो मैं एक टेस्ट चार्ज छोड़ रहा हूँ. टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. सर क्यों लेते हैं? कन्वेंशन है. कन्वेंशन मतलब आपका नाम जैसे अर्जुन होगा या कुछ होगा तो अर्जुन ही क्यों है, बस ऐसे कन्वेंशन है. कन्वेंशन ऐसी होती है, उनका कोई लॉजिक नहीं होता. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर लगा दी, एक लगी हुई है तो एक इधर मूव करेगा, इधर. कल को इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा दी तो एक इधर मूव करेगा, ऊपर. मान लो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो सर शायद इधर मूव करेगा, है ना? और आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी ज़्यादा हो गई, ये वाली बड़ी हो गई, मान लो टू ही हो गई, तो फिर ये थोड़ा ऐसे करके ऐसा हो जाएगा. तो कर्व भी बन सकती है, लाइन भी बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, हो सकता है ऐसे उड़ता हुआ चला जाए, ऐसे चला जाए. तो ये जो पाथ बनाओगे आप, जो इमेजिनरी लाइंस बनाओगे या कर्व्स बनाओगे, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं. वर्ड लाइंस यूज हो रहा है लेकिन कर्व्स भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पाथ कौन सा है. प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है काइंड ऑफ. ठीक है, मान लो चार्ज के पास इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, तो कर्व बनेगा. फिर अगर मैं इसे बढ़ाता चला जाऊं और ये इतनी रखूं तो फिर ये ऊपर की, ये ना ये लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी ऐसे. देखो एक चीज दिखाता हूँ, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है, किसी पार्टिकल पे दो फोर्स लग रही है, तो वो सीधा जाएगा. लेकिन अगर ये फोर्स बड़ी होती चली जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, ये बड़ी होती चली जाए तो ऐसा. तो कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो हेडिंग लिख लो, फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ, प्रॉपर्टी में डेफिनेशन डाल रहे हैं. व्हेन ए टेस्ट चार्ज इज प्लेस, और बिल्कुल आप एग्जाम में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. When a test charge is placed in a region of electric field, test charge का मतलब हो गया plus Q naught. It moves along the electric field, उसी direction में move करता है. ठीक है, if we draw the path of test charge, उस पाथ को अब आपको ड्रॉ करना है, वो जिधर भी जा रहा है बस ड्रॉ करते जाओ. इफ वी ड्रॉ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज, वी विल गेट इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स. वी विल गेट इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स, इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स. These imaginary lines or curves are called EFLs, electric field lines. These imaginary lines or curves are called EFLs. Clear हुआ बिल्कुल? इनको हम EFLs कहते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? EFLs. ठीक है? Next लिखो. Second property. तो ये फैली हुई होती है हमेशा, मतलब एक तरह से इमेजिनरी लाइन समझ लो. किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फैली हुई होंगी, इस टाइम होंगी ये लाइन्स ऐसी इमेजिनरी. और कोई भी चार्ज अगर उनकी रेंज में आएगा तो उसे दौड़ रहा होगा चार्ज से. ठीक है, सच में हो रहा होगा ऐसा. चार्ज हमें इलेक्ट्रॉन देख को ही सकते हैं, हम दिखता कोई हमें कुछ नहीं है. तो सेकेंड, चलो सेकेंड में क्या डालें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज भी कहते हैं.
है ना, लिख लो ये बात, इलेक्ट्रिक EFLs आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। अब हर के साथ ना मैं वाई लगाऊंगा, तो आप मुझे बताओ वाई, एक आधा आंसर आप दे सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, ब्रैकेट में लिख लो वाई। ये सारे वाई वाले क्वेश्चन सारे बोर्ड्स में बहुत कॉमन, सबसे कॉमन। हाँ, उसकी वजह से फोर्स लग रही है, और वो फोर्स उसी डायरेक्शन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहलाते हैं। जबकि जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हमारा जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म, वहां नहीं बोलेंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नॉट कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, क्योंकि वहां फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगती, फील्ड इधर होती है और फोर्स आपने टेंथ में पढ़ा है, फोर्स परपेंडिकुलर होती है, ये याद आ रहा है? तो वहां दुनिया अलग है, यहां है, यहां पर हम बोलते हैं। तो क्या लिख रहे, EFLs आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। Y लिख देते हैं आगे, ठीक है, Y का आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज ये Y बोर्ड में है भाई, वन मार्कर, बिकॉज, और यही मैं टेस्ट में दूंगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे टेस्ट में, कल तो शायद बहुत ज्यादा नहीं है, तीन ही क्वेश्चन है सिंपल से। आगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किस डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है। फोर्स किस डायरेक्शन में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ही कहा जाता है। आज आपको डीपीपी तो मिल जाएगी, बट मुझे लग नहीं रहा उस डीपीपी का बहुत ज्यादा हिस्सा मैं करा पाऊंगा, मंडे को कराऊंगा, चलो थोड़ा बहुत करा पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, कोई दिमाग में कुछ, किसी को कुछ भी पता हो, कुछ बच्चे अपने आप पढ़ रहे हो, आगे से आगे भी पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है। हाँ, ये चलो अभी लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं, आसान वाली है, लिखवा देते हैं, बहुत काम की है, बहुत आता है बोर्ड्स में, रब कर दूं। ये कह रहा है, जो ये बच्चा कहना चाह रहा है, नक्षत्र पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ऐसा क्यों होता है, समझाएगा कोई? मतलब अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज आज इस कमरे में रख दूं, तो उस कमरे, उस जगह से, उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड निकल रही होंगी, तो हमें क्या लिखना है, EFLs की फुल फॉर्म समझ रहे हो ना, रेडिएटेड आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कोई भी क्लास में बताना चाहे कैसे, ऐसा क्यों, पास आ जाएंगे वैसे, इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बोलना चाहिए आपको, वाई थोड़ा और सोचो, बोला कुछ कुछ ठीक बोला, लेकिन थोड़ा सा गलत वर्ड बोले, इलेक्ट्रॉन की जगह टेस्ट चार्ज बोलते सही हो जाता। सुनो, एक पॉजिटिव चार्ज रखा था, हम कैसे पता लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है किसी कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कैसे पता लगेगा, बताओ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में छुपा हुआ है सर, टेस्ट चार्ज रख दो, अगर भागा, अगर मूव करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, नहीं करा तो नहीं। अभी वो सबसे एक छोटी सी प्रॉपर्टी रह गई, वो लिख दूंगा अभी, है ना, वो भी लिखवानी है मुझे। तो मान लो मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूं, चलो रख दिया, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है ना, तो बताओ ये किधर जाएगा, बताओ इधर जाएगा ना, कल को यहाँ रख दूं तो ऊपर जाएगा, यहाँ रख दूं तो इधर, तो इसका मतलब इसकी लाइंस ऐसे ही बनेंगी, ठीक है, ऐसे बनती है लाइंस। अगर किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो उसे हर जगह 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 पर टेस्ट चार्ज रख के देखना चाहिए, वो जिधर भी जा रहा है वही लाइंस है, समझे कि नहीं, ठीक है। अगर किसी को ये ड्रॉ करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अवे होती हैं, रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, रेडियली भी लिख देते हैं कुछ बच्चे, रेडियली आउटवर्ड्स, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। हाँ, वही तो लिखने जा रहे हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी लिख लो, बोल दिया तुमने खुद ही, फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जाम में एक आता 3 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज, और एक वाई वाले क्वेश्चन आते हैं वाई, अगर अब इसमें पूछ लिया पॉजिटिव चार्ज से वाई क्यों आती है, रीजन मिल गया, बिकॉज इफ वी प्लेस, वाई का मैंने रीजन बोला नहीं है, लिख लोगे आंसर, बोलो क्या लिखोगे, एक बनाना सीख लो आंसर, अब आप 12th में हो, इफ वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज इट विल मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, रेडियली अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स,
और इफ यू ड्रॉ द फिगर तो और बेटर, ऐसे दो तीन फिगर बना के दिखा दो। अपनी बात समझानी तो है सामने वाले को, तुम तो समझ रहे हो अंदर अंदर, लेकिन समझाना है, ठीक है। नेगेटिव में अपने आप लिख दो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड्स लिख दोगे, और नेगेटिव में फिगर बना दोगे अपने आप, नेगेटिव में ही कर देना। आपको थोड़ा मुझे वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा जैसे आप इलेवेंथ में आए हो अभी। नेगेटिव में ऐसी बना देना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड्स टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। वाई का रीजन आप जानते हो, इस बार भी रीजन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, आप जानते हो। तो पॉजिटिव से बाहर निकलती है, नेगेटिव से, वैसे बच्चे इसे एक ही लाइन में लिख देते हैं, और नेगेटिव से इनवर्ड्स होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड्स होती है, है ना, रेडियली आउटवर्ड्स, उसमें रेडियली इनवर्ड्स, ठीक है। या रेडिएटेड वर्ड भी लिख सकते हो, रेडियली लिख सकते हो, ये वर्ड यूज कर सकते हो, रेडियली वर्ड यूज करो वैसे, क्योंकि रेडियस की तरह एक स्फीयर टाइप बनाती है, तो रेडियली वर्ड्स भी लिखना। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब आगे हम अब एक और डेफिनेशन पर भी आ रहे हैं, मतलब ये काइंड ऑफ डेफिनेशन ही हो गई। फोर्थ आ गई प्रॉपर्टी, फिफ्थ आ गई। तो एक तरह से EFL की डेफिनेशन ये भी है, इफ वी ड्रॉ, लिखो ही मैं लिखवा रहा हूं, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन EFL, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन EFL, इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए क्या कह रहा हूं, मतलब ये EFL है सर, देखो बताओ ये क्या बनाया मैंने, ये उस चार्ज का पाथ बनाया है, वो चार्ज ऐसे भागा जा रहा है, जैसे कौन भागा रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताओ, सोच के बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, ऊपर, यहाँ, इधर, यहाँ, नीचे, तो ये इसका टेंजेंट नहीं हो गया, तो इसका मतलब टेंजेंट ऑफ EFL हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी तो EFL की डेफिनेशन होगी, एक तरह की डायरेक्शन ऑफ, ये भी आती है ना प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, हाँ उसी पर आ रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें तो कोई वाई तो मैं पूछ नहीं सकता है, तो ऑब्वियस है इसमें वाई कुछ नहीं है। अब जो बताने जा रहा हूं, वाई बहुत ज्यादा पूछा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है और एक ऐसे बना दी मैंने, नेवर इंटरसेक्ट, व्हाई, हाँ वो इसके बाद पूछना, इसके बाद बोलना बेटर था। तो छठे नंबर पर जो प्रॉपर्टी आ रही है लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लिख लो पहले, फिर व्हाई का रीजन लिखेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और टेस्ट सब देंगे, ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे, आज से ऑनलाइन बैच भी शुरू हो गया, मैंने सब कुछ डाल दिया था, उनके भी ऑनलाइन टेस्ट वो उसमें जो 2021 वाला में वहाँ पे लिखा होगा, जैसे ही आप खोलोगे साइट 2021 आएगा, और 2021 में अगर आपको देखना है तो आपकी वाली क्लासेस पड़ी होंगी, अभी तो ये दो डाले मैंने, तो मैं जल्दी से 5-6 लेक्चर्स डाल दूंगा फटाफट, ताकि आपके बराबर आ जाए वो, फिर आपके जैसे आपके क्लास हुआ करेगी, अगले दिन उनके उनका लेक्चर डलेगा, ऐसे होगा, तो ऑनलाइन वाला बच्चे अपने पढ़ते रहेंगे जैसे भी है, उनका भी हर 6 लेक्चर के बाद, 5 लेक्चर के बाद, 5 लेक्चर के बाद उनका भी टेस्ट होगा, उनका टेस्ट अलग होगा, आपका टेस्ट अलग होगा, क्यों का कोई मतलब नहीं है, उनका उनका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें भी उसे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में पढ़ लेंगे, उसे भी आप दे सकते हो, मेरा सही मतलब था कहने का, उसको भी आप टेस्ट को दे सकते हो, यहाँ इतना हंसी मजाक हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ सुनेंगे बस, अपने मन में हंसेंगे जैसे भी करेंगे, उनकी मर्जी, ठीक है, हम साथ में मिलकर हंसेंगे। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट की तरह लिखिया, वाई का आंसर लिखते हैं, बिकॉज एक फिगर बना दो, एक फिगर बना देते हैं, और दो डायरेक्शन बना दो, एक ऐसे लिख दो डायरेक्शन, एक ऐसे लिख दो,
अगर इंटरसेक्ट हुआ तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगी, मतलब चार्ज एक ही पॉइंट पर दो जगह जा रहा होगा, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब मेरा एक हिस्सा इधर जा रहा है एक हिस्सा उधर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या लिखना है? इट विल गिव अस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में जाके अपने आप बना देना लैंग्वेज। ऐसी चीजों पे मार्क्स नहीं कटते कि इंग्लिश खराब है। टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल, बस इतना भी, इतनी भी अजीब इंग्लिश नहीं लिखनी, बस ये लिख दिया। ये तो कट, पता नहीं कट भी सकते हैं फिर, थोड़ा सा सही से है ना। नेक्स्ट आ रहा हूं मैं, उसी पर आ रहा हूं, गुड, वही लिखवाने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स EFLs डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। सर्कुलर क्या क्लोज लूप नहीं बनाती? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? सेवेंथ, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अब बन गया बेस तुम्हारा, वैसे अब समझ में सब आएगा, देखना भी अब दिक्कत नहीं आती। ये पहले जो कूलम्स लॉ इन्हें संभालने में थोड़ा टाइम लगता है, हाँ थोड़े लेवल के क्वेश्चंस और चाहिए, वो फ्राइडे तक वेट करते हैं उसके लिए, वो जरूर चाहिए क्योंकि अटक रहे हैं सर कुछ हार्ड वाले हमसे, वो कारण है वेक्टर्स थोड़ी मैथ्स। तो सेवंथ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। यहाँ भी मुझे इलेवेंथ की नॉलेज चाहिए, कोई बता सकता है क्यों नहीं बनाती? इलेवेंथ में कभी कहीं पढ़ा हो किसी चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप नहीं बनाती? चलो मुझे बताना ही पड़ेगा, मैं दूसरी बात पूछ लूंगा आपसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव, ठीक है। अब ये मैं पूछना चाह रहा था, कंजर्वेटिव होता क्या है? चलो पहले तो लिख लो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज, रीजन भी लिख दो साथ के साथ, लेकिन रीजन बहुत एक्सप्लेन नहीं हुआ क्योंकि उस बच्चे को तो नहीं पता लगा जिसे कंजर्वेटिव नहीं पता, वैसे इतना रीजन सफिशियंट है। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, लिख लो, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इस अब समझ में नहीं आया क्या है भाई कंजर्वेटिव क्या है, ये इलेवेंथ में पढ़ा है, दिक्कत यहाँ हो जाती है ना कभी कभी, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा कंजर्वेटिव, छोड़ने से मतलब है, मतलब बताऊंगा, है ना, समझा के बिना नहीं छोड़ूंगा। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है ये पूछना चाह रहा हूं, जिनका एक अच्छा सा आंसर दे दो, मैं बहुत अच्छा सा आंसर देता हूं आपको, ठीक है, सुनो एक मिनट, चलो एक बात थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, कुछ चीजें सीखने को मिल, बड़े टाइम जाए है ना, कभी कभी स्लो भी पढ़ना चाहिए। आप मुझे बताओ, एक बॉल को अगर हम ऊपर फेंके, यहां पर यहां तक ले आए, बॉल का मास ये ले लेते हैं और ये, बताओ ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा? ग्रेविटी ने, हम इसे ऊपर ले गए, सही वर्क डन बोलना, ग्रेविटी का वर्क डन, मैं अपना नहीं पूछ रहा, मैंने ये मार्कर या बॉल उठा के ऊपर रख दिया यहाँ पे, हाँ, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा? तो ग्रेविटी नीचे लगी और बॉल ऊपर गई, तो ग्रेविटी ने वर्क डन करा -mgh, ठीक है। अब यही बॉल इधर से आके इधर आ गई, नीचे आ गई, है ना, मतलब वापिस वहीं आ गई जहां से चली थी, तो प्लस mgh। इसमें कुछ लोग परेशान से लग रहे हैं, बोलो नहीं आ रहा समझ में, तो वैसा मतलब वो फिर ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे समझ में आ रहा हो, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसा, अच्छा आ रहा, चलो -mgh वर्क डन होगा क्या ऊपर ले जाने में, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है और हम ऊपर जा रहे हैं, तो ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव, और दूसरी बार आने में ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? जीरो। जिन फोर्सेस का, पहले मैं आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव समझा रहा हूं, जिन फोर्सेस का टोटल वर्क डन पूरे क्लोज लूप में जीरो होता है उन्हें कंजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव मतलब उनकी एनर्जी खराब नहीं होती, लॉस नहीं होती कहीं, मतलब लॉस इन द सेंस हीट में लॉस नहीं होती, साउंड में लॉस नहीं होती, हमें मिलेगी, कैसे मिलेगी,
ये पहले कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, और जब ऊपर से छोड़ोगे तो किसमें? तुम्हें कैसे पता चला काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई? पता चला हूं? तुम यहां लेट जाना, ये लो, तुम यहां लेट जाना आराम से, तुम्हें पता लग जाएगा कि उसमें एनर्जी थी बॉल में यानी, और ऊपर से हम छोड़ देंगे बॉल को बहुत आराम से, कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे हल्का सा टच करेंगे। तो मैंने कुछ नहीं करा, बॉल में एनर्जी थी, इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं हुई। तो ऐसी फोर्सेस जिनकी एनर्जी कहीं और लॉस नहीं होती, हीट में, साउंड में, ये फोर्सेस क्या है? कंजर्वेटिव। ये फोर्सेस क्या है? कंजर्वेटिव। अब चलो तुम्हें दूसरा दिखाता हूँ, थोड़ा 11th पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें। अब मैं एकदम 11th में चला गया, मेरा दिमाग भी 11th में चला गया। एक फोर्स में ऐसे खींच रहा हूँ और ऑब्वियसली नीचे फ्रिक्शन लग रहा है, चलो एस डिस्टेंस खींचते हैं, एच ही खींचते हैं, बताओ यहाँ तक खींचने में फ्रिक्शन का वर्क डन? वेरी गुड, कितना? माइनस एफ एच। ठीक है, और देखो यहाँ तो देखो वर्क डन जीरो भी आ रहा है, टोटल वर्क डन पूरे क्लोज लूप में क्या आ रहा है? जीरो। माइनस एमजीएच प्लस एमजीएच कितना हो गया? जीरो। आप गए वापस आ गए, तो टोटल क्लोज लूप में वर्क डन कितना हो गया? ग्रेविटी का जीरो। तो ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिनकी एनर्जी हीट वीट में नहीं होती, उनकी एनर्जी या तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी या पोटेंशियल में, मतलब हम उसे खींच सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। अब फ्रिक्शन के साथ देखो क्या होता है, पहले आगे गए, फ्रिक्शन तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे लगता है ऐसे हवा में तो था नहीं, तो आगे गए, फिर वापस लेके आ रहे हैं, चलो दोबारा, अब यहाँ पे फिर ले आए एच, अब इस बार फ्रिक्शन इधर लगेगा, पहले फ्रिक्शन पीछे लगा, अब भी पीछे ही लगा, तो दोनों बार फ्रिक्शन का वर्क डन, दोनों बार फ्रिक्शन तो नेगेटिव वर्क डन करेगा। जब मैं इस चीज को आगे खींचूंगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस डस्टर को मैं खींच के ला रहा हूँ ऐसे, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो वर्क डन नेगेटिव। जब मैं ऐसे ले जा रहा हूँ तब भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तब भी वर्क डन नेगेटिव, तो दोनों बार फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव, तो इन दोनों को जुड़ने पर जीरो नहीं आएगा, तो वर्क डन क्लोज लूप में जीरो नहीं है। तो फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन कैसी फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव। सर इसे एनर्जी से समझाना मुझे, आप एक बताओ ये बॉक्स, अब तुम इसके साइड में लेट जाओ, कुछ होगा तुम्हारे? कुछ भी नहीं, इसमें कुछ एनर्जी है नहीं, ये डब्बा हमने ऐसे खींच के ऐसे कर दिया, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, ये यहाँ रुक गया, कोई एनर्जी नहीं है। जबकि यही डस्टर अगर यहाँ रख दूँ और फिर हल्का सा छोड़ दूँ और तुम्हें यहाँ लिटा दूँ तो बस तुम्हें पता लग जाएगा एनर्जी है कि नहीं है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। कहाँ गई उसकी एनर्जी बताना, ये जो मैंने खींचा है कहाँ गई? इतनी आवाज हुई सर, इतनी आवाज हुई, ये गर्म भी हो गया होगा, हीट प्रोड्यूस हुई होगी, तो इसमें चली जाती है। जिनकी है मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाती है वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। क्या इसमें टोटल एनर्जी लॉस हो जाती है? टोटल कभी लॉस नहीं होती, मैकेनिकल लॉस होती है। तो ये होती है नॉन कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव क्यों, आज क्लियर हो गया? बिकॉज क्लोज लूप में उसका वर्क डन जीरो होता है, या कह लो उसकी उसमें मैकेनिकल एनर्जी लॉस हो जाती है। ऐसे ही MgH कंजर्वेटिव क्यों है? Mg बिकॉज क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है एंड मैकेनिकल एनर्जी डू नॉट लॉस्ट, इट ओनली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल और काइनेटिक। वर्क डन जीरो होता है क्लोज लूप में। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, मतलब उसकी एनर्जी लॉस नहीं होती, मतलब मैकेनिकल एनर्जी लॉस नहीं होती, उसका वर्क डन क्लोज लूप में क्या होता है? जीरो होता है। तो लिख लो अभी भी, लेकिन आंसर नहीं आया वैसे, चलो पहले तो लिख लो कंजर्वेटिव के आगे लिख लो जो आपने लिखा ना, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो उसमें लिख लो कंजर्वेटिव के आगे, दैट इज द वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज लूप इज जीरो। वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज लूप इज जीरो। वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन क्लोज लूप इज जीरो। अब मैं एक जीनियस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे अभी भी मुझे नहीं आ रहा समझ में। मैं होता ना तुम्हारी जगह तो मैं कहता सर अभी इससे भी कहाँ से बात क्लोज। चलो आपने बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, फिर आपने मुझे बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिनका वर्क डन क्लोज लूप में जीरो होता है ना, लेकिन आपने मुझे अभी भी ये नहीं बताया कि क्लोज आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती। मेरा क्वेश्चन तो वो था, आप पागल बना रहे हो क्या मेरा? मैं तो थोड़ा ऐसे गुस्सा सा फील करता अंदर से, है ना?
और ज्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए लेकिन, है ना शानदार, कहीं मारने पीटने लगो तुम मुझे लेकिन हाँ गुस्सा आता कि सर हो क्या रहा है, अभी तक भी आंसर नहीं आया, आप इतना 11th में चले गए कि ये नहीं बताया आपने कि ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती। अब ये मत बोलना कि बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, ये हमने बोल दिया, ये रीजन चल जाएगा स्कूल में, बट हमें थोड़ा और चाहिए। वर्क डन ऑन द क्लोज लूप इज जीरो, मैं पूछूंगा मुझे देने दो, ठीक है, आप आंसर हाथ खड़ा करो बस, है ना, आप मुझे बताओ ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, हाथ खड़ा करेंगे जो भी बोलना चाहते हैं। अच्छा सा आंसर चाहिए, एक ही हाथ दिख रहा है, और कोई पीछे वाले सो गए हैं क्या, सोने का मन कर रहा हो किसी का, थक जाते होंगे, मैं भी मानता हूँ इंसान है बेचारा, दोपहर में निकला हुआ है सुबह से, एक आंसर दे रहे हो, चलो आप ही बताओ। नहीं फील्ड जीरो कहीं नहीं हो रही ना, बहुत आप समझा नहीं पा रहे, कुछ अपना समझ रहे हो, मुझे नहीं समझा पा रहे। हाँ वो कैसे नहीं हुआ, वही तो कह रहे हैं, वो समझाओ ना मुझे। हाँ नहीं हम पहले सुनो आप वही क्वेश्चन नहीं समझे। EFL, रुको भैया EFL do not form closed loop, मुझे जब तक समझ में नहीं आता मैं ऐसे नहीं करता कभी भी, चाहे क्लास लेट भी हो जाए। EFLs do not form closed loop, सो बात मत करो जब मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट चुप भाई। EFL do not form closed loop नहीं बनाती, पहली बात, ये बनता नहीं है, ये तो हमने बना रखा है जबरदस्ती। अब आप बोल रहे हो कि इसलिए नहीं बनाती बिकॉज सर वर्क डन फिर जीरो नहीं आएगा, नहीं वर्क डन जीरो आ गया फिर तो बनाती है, इसलिए तो मैं तुम्हारी बात को काटा मैंने, हाँ इसलिए तो काटा कि तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा है। क्लोज लूप नहीं बनाती इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, चलो मैं ही समझाता हूँ छोड़ो। हाँ नहीं अब मैं दिखा रहा हूँ सुनो, ये फोर्स ऐसे एक चार्ज होगा तो ऐसे लगेगी फोर्स, अभी भी बात आई नहीं ना, ये चार्ज होगा तो ऐसे लगेगी फोर्स, ये ऐसे लगेगी ठीक है, इस तरह से लगेगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और आपने इन्हें क्लोज लूप बना दिया, ठीक है, अब ये क्लोज लूप बन गया, अगर क्लोज लूप बन गया तो आपका जो ई डॉट डी एस है, वर्क डन जीरो आना चाहिए ना, लेकिन वर्क डन जीरो आ कर रहा है, QE into DS, वर्क डन जीरो कब आता है, जब माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच तभी तो जीरो है, या मुझे एक भी जगह नेगेटिव वर्क डन दिखाओ, QE जिधर लग रहा है पार्टिकल भी उधर ही जाएगा, तो हर बार QE का वर्क डन, तो ये वर्क डन छोटे छोटे वर्क डन पॉजिटिव होंगे, सब जुड़ जाएंगे, तो नेट वर्क डन जीरो और नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे कुछ बच्चों को तो याद ही करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, नहीं मैं दोबारा समझाऊंगा लेकिन, है ना, इतना समझाने की जरूरत नहीं है लेकिन अच्छी चीज है, बड़ी समझने वाली चीज है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिया आपने, बना दी, और हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिधर होगी फोर्स भी उधर होगी और डिस्प्लेसमेंट भी उधर होगी, तो वर्क डन हर बार कैसा होगा, क्यूई इंटू डी एस, छोटा सा वर्क डन, और ये आएगा हर बार पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वर्क डन अगर पूरा क्लोज लूप बन गया तो ये पॉजिटिव वर्क डन जीरो नहीं हो पाएगा, और आप एक पूरे क्लोज लूप में घूम गए और आपका वर्क डन जीरो नहीं आया, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो आना चाहिए, मतलब जैसे ग्रेविटी में ऐसे घूम जाओ, आप ऊपर जाओ फिर नीचे आ जाओ, तो वर्क डन क्या आना चाहिए, जीरो प्लस एम जी एच माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच जो भी है जीरो आना चाहिए, लेकिन यहां जीरो तो फिर ये पॉसिबल भी नहीं है, मतलब क्लोज लूप नहीं बनाएंगे क्योंकि जीरो नहीं आता फिर वर्क डन, वो जुड़ता चला आता है, जैसे फ्रिक्शन का वर्क डन जुड़ जाता है ऐसे इनका वर्क डन भी जुड़ता चला जाता है, वर्क डन जीरो नहीं आता। अब समझ गए, जुड़ जाता है वर्क डन, वो जीरो नहीं आता। सही मायने में अगर किसी को मान लो कोई टीचर आपको या कोई और बच्चा बहुत डीप में जाना चाह रहा है तो उसे फिर आपको ऐसे समझाना पड़ेगा कि भैया वर्क डन सारा जुड़ जाता है क्यूईडीएस, और वर्क डन टोटल वर्क डन क्लोज लूप में जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे तो जीरो चाहिए। किसको नहीं इलेक्ट, तो ये तो होता ही नहीं ना, क्लोज लूप बनता ही नहीं। नहीं बना तो, अरे कैसी बात कर रहे हो, मैंने आपसे पूछा
आज इंजॉय करने आए हो क्या? नहीं बता दो मुझे, वैसी कोई बात नहीं, मेरी टेंशन नहीं, हम तो पढ़ाने नहीं चाहते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये तो क्वेश्चन पूछा है, इसका रीजन पूछा जा सकता है। हाँ, इसका रीजन क्या हुआ सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज, कॉन्ट्ररी रीजन है, बिकॉज इफ वी फॉर्म क्लोज लूप, ऐसे लिखेंगे रीजन, इफ वी फॉर्म क्लोज लूप देन वर्क डन विल बी एडेड एंड इट विल नॉट बी जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलवेज डू जीरो वर्क डन इन क्लोज लूप। अब तो हो गया, अब इंग्लिश अच्छी सी बोल दी मैंने, लिख दो, मैं लिखवा देता हूँ, चलो मैं ही लिखवा देता हूँ, तुम्हारा तो पता नहीं। ये फिगर बना लो आप, एक बार ये फिगर बना लो और ये लिख दो बस, QEDS पॉजिटिव, ऐसे QEDS पॉजिटिव लिख दो। मैंने कहा था ना इसमें टाइम लग जाता है, मुझे पता था मैं फ्लक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, QEDS पॉजिटिव लिख दो। अब एक बेनिफिट है हाँ, कि अगर किसी का फ्लक्स पढ़ने का पहले से मन कर रहा है, सैटरडे संडे को खाली है, ऐसा होता नहीं वैसे जनरली, है ना, लेकिन फिर भी कोई एक्सेप्शन हो जाए इस दुनिया में, आपका मन कर जाए, तो आपके पास पुराने 2020 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अगर आपने फीस जमा करके ओपन करा रखा है तो, समझ गए गेम, तो आप फ्लक्स पढ़ के आ सकते हो, तो यहाँ इंजॉय कर सकते हो, आंसर दे सकते हो सारे, ठीक है, पता चला आप छा गए, आप ही दिख रहे हो बस, सारे आंसर्स आप ही देना, और आपने चुपचाप पढ़ लिया था, किसी को बताया नहीं, पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ भाई मैं तो, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास ये लिख दिया आपने, अब इसके बाद आप लिखो बिकॉज इफ EFL फॉर्म क्लोज लूप, क्लोज या सर्कुलर लूप जो भी आप लिखना चाहो, क्लोज लिखते हैं ऐसे, क्लोज लूप देन वर्क डन स्मॉल वर्क डन स्मॉल DW जिसे हम E.DS कह रहे हैं, QE.DS विल बी एडेड एंड नॉट इक्वल टू जीरो, बस नॉट तो लगा ही दिया ना, तो नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर क्लोज लूप बनता है, कॉन्ट्रडिक्शन से भी तो कोई चीज एक्सप्लेन होती है, उल्टा मान के कि अगर हम ऐसा कर दें तो, ऐसा अगर क्लोज लूप बना दें तो क्या होता है, वर्क डन जीरो नहीं आता, जबकि वर्क डन जीरो आना चाहिए था, ये कॉन्ट्रडिक्शन एक्सप्लेनेशन होते हैं, ठीक है। बट चाहे आप और लिखना चाहो, और मन कर रहा है, वैसे बहुत हो गया, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है ना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हम जानते हैं क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं बनाती होगी क्लोज लूप, इसका मतलब दुनिया की कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज लूप बनाती नहीं होगी, सच्चाई है, नहीं बनाती, ठीक है, मतलब उनकी फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव ऐसी बनाई जाए तो, जो भी कंजर्वेटिव है उनकी फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती होगी। खैर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आसान सी प्रॉपर्टी आदि करनी है, जहां पर भी डेंसिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, डेंसिटी ऑफ EFL ऐसे लिख दो बस, प्रॉपर्टी नंबर 8, डेंसिटी ऑफ EFL इज लार्ज देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन आप दोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये फील्ड लाइन है। मैं क्या कह रहा हूं बताओ, मैं क्या कह रहा हूं इसको इसमें बताओ, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी बी से। अब वाई भी लिख देता हूं, ये बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, या ये भी बोर्ड का ही है, या एक कॉम्पिटिशन का भी है वाई, नहीं क्यों 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 ज्यादा होगी, अरे ये क्या बात हुई, फील्ड ज्यादा ही क्यों है, वही तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि फोर्स ज्यादा है, फोर्स और फील्ड तो एक ही चीज होती है ना, क्यों से मल्टीप्लाई तो करना है, वो रीजन वो नहीं हुआ ना, हाँ दिस इज द राइट आंसर,
आ गया आपका आंसर भाई, हमने अभी पढ़ा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो ये बिल्कुल वैसी सी फिगर बनाई सर आपने, तो इसका मतलब डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होंगी और यही हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास है, पॉजिटिव चार्ज के पास है तो फोर्स ज़्यादा तो फील्ड, ऐसे बोलना था, तो रीज़न असली तो ये है बिकॉज इट विल नियर द सोर्स ऑफ चार्ज लिख दो या पॉजिटिव चार्ज या नियर द नेगेटिव भी हो सकता है अगर अंदर की तरफ है तो सोर्स ऑफ चार्ज लिख दें वो बेटर है, बिकॉज ए पॉइंट इज नियर द सोर्स ऑफ चार्ज, बिकॉज ए पॉइंट इज नियर द सोर्स ऑफ चार्ज, सो देयर विल बी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एज कंपेयर टू पॉइंट बी। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी कर लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन साइड द कंडक्टर इज जीरो, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी लिख देना, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना ऊपर, इन साइड EFL डू नॉट प्रेजेंट, जीरो लिख दो या डू नॉट प्रेजेंट लिख दो, डू नॉट प्रेजेंट इन साइड द, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ सही से है ना, थिकनेस ऑफ कंडक्टर, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब कंडक्टर के अंदर नौवीं प्रॉपर्टी होगी ना, नौ बहुत है, नहीं अब इसका रीजन इतना आसान नहीं रहेगा, पहले तो मैं समझा देता हूँ आपको, अगर ये दीवारें सारी लोहे की बनी है कॉपर की बनी है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पहले वो समझा देता हूँ, तो हम कहाँ बैठे हैं, कंडक्टर के अंदर, तो मैं अगर इनसाइड लिखता खाली तो गलत था, मैं वहाँ नहीं कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, मैं कह रहा हूँ इस कंडक्टर की दीवारों के अंदर, मतलब थिकनेस के अंदर, वॉल्स के अंदर जीरो, चाहे कुछ भी हो जाए अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, हाँ ये भी लिखना जरूरी है, मतलब इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में जीरो नहीं होगी, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, जो भी रीजन देना चाहे अब रीजन दे, मैं एक मिनट दे रहा हूं आपको, मुझे एक मिनट के लिए जाना पड़ेगा, अब मैं बताता हूं, आप जब तक एक सेकंड के लिए सोचो, बाय, बस ये लास्ट प्रॉपर्टी है, और आज आपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आज अब तक कितना चैप्टर पढ़ा है स्पेशली फॉर बोर्ड, हाँ आप बताओ, फिर आ गए हम दोबारा बिकॉज सही आंसर दिया है, बिकॉज चार्ज मोशन में होता है, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं बताया, मैं समझाता हूँ, हम कॉन्ट्रडिक्शन से आते हैं वापस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उल्टा बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है, वॉल्स के अंदर प्रेजेंट है, देन जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर इस दीवार के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, EFLs हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और मूव कर नहीं सकते बिकॉज ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर तो ये पढ़ रहे हो स्टैटिक्स, जिसमें मूव नहीं कर सकते, तभी तो मैंने लगाया, तो एक रीज़न ही अच्छा रीज़न है, लेकिन और एक और रीज़न दूंगा अभी, ये रीज़न भी ठीक है, लिख सकते हो एग्जाम में, क्या लिखना है बता रहा हूँ, इफ EFLs आर प्रेजेंट इन साइड द थिकनेस ऑफ कंडक्टर, इफ EFLs आर प्रेजेंट इन साइड द थिकनेस ऑफ कंडक्टर, वो DPP आगे फॉरवर्ड कर देना, इफ़ EFLs आर प्रेजेंट इनसाइड द थिकनेस ऑफ कंडक्टर, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, विच इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस, विच इज नॉट पॉसिबल अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। एक प्रॉपर्टी और है इसके बाद भी, वो भी बतानी पड़ेगी, चलो ये तो एक रीजन हो गया, सही है, आ गया ना समझ में,
भाई इलेक्ट्रॉन तो चलने लगेंगे फिर मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे कि अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। सबको क्लियर हो रहा है? बोलो, ये रीजन गलत है? नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन से एक्सप्लेनेशन है। एक्चुअल में हाँ, अगर हाँ, लेकिन अगर EFLs प्रेजेंट हैं तो, बट अगर उस कमरे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दिखा रहा हूँ ना मैं, सुनो, जैसे एक कंडक्टर है, सुनना, एक कंडक्टर रखा हुआ है भाई, इधर देखेंगे सब लोग, और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, आप जानते हो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये आ रही, बताओ ये याद करो, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, सब बच्चे याद करेंगे, सबने क्लास करी है, बोलो क्या होगा, बोलो अब इस कंडक्टर में क्या होगा, एक कोई एक बच्चा आप ही बोलो, मैंने पॉजिटिव, इधर 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 कौन सा आएगा, सारा नेगेटिव इधर भागने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव भागता रहेगा, ठीक है। ये काम बहुत टाइम में होगा कि बहुत क्विक होगा? यूँ होगा ये, है ना, ऐसे बोला करो ना स्टाइल में, सही हो। और इधर क्या रह जाएगा, पॉजिटिव, बोलने की जरूरत ही नहीं है, समझ गए, तो ये नेगेटिव आ गया पॉजिटिव, और ये करता क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, याद करो, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये इसको क्या करता है, कैंसिल, तो ई नेट कितना हो जाता है, जीरो, पढ़ा रखा है ना इसलिए दिक्कत नहीं है मुझे, ये जीरो हो जाता है, तो जीरो हो गया तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, जीरो, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। बट उसमें क्या होता है, कंडक्टर जुड़ा हुआ होता है, या ऐसे ऐसे खाली कंडक्टर नहीं होता, वो कंडक्टर जो तार है ना वो जुड़ी हुई है पंखे तक, तो वो तो लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। यहाँ तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रही है, मतलब ये कमरे आए और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बंद कमरा है, मतलब यहाँ पे भी दीवार है, तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं होगी। अब बताओ देखो क्या होगा, यहाँ पे आएगी क्या, यहाँ होगी, हाँ यहाँ होगी, बीच में गायब हो जाएगी, बीच में नहीं होगी, गायब हो गई बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उस दीवार से एंटर करी और यहाँ आई और दीवार के अंदर नहीं होगी, बाहर होगी और इधर भी होगी, दीवार में नहीं होगी, बीच में क्या हो गई, गायब। समझ में आया, कंडक्टर के अंदर उसकी थिकनेस के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, क्या अंदर इनसाइड का, जैसे कार है, कार तो कार के अंदर प्रेजेंट, कार के ऐसे अंदर, मतलब उसकी जो थिकनेस उसमें प्रेजेंट नहीं हो सकती, कार के अंदर तो आ सकती है। अब वो आगे की बात है, बाहर से कैसे आती है अभी वो तो बाद में पढ़ेंगे, फिर सर कार में हम बच्चे कैसे जाते हैं आपने बताया था, वो बाद में, ठीक है। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई कि अंदर यहाँ जीरो होगी। कोई और बच्चा क्लास में, जीनियस बच्चा, कोई एक्सप्लेनेशन और तरह से दे सकता है इसका, जीरो होने का एक्सप्लेनेशन और कोई तरीका, या सर एकदम से आई फिर गायब हो गई फिर आ गई, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा सा, जल्दी टाइम कम है बस खत्म करनी है क्लास, चलो मैं ही देता हूँ, जीनियस मैं ही हूँ। नेगेटिव पर एंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ लाता है तो नेगेटिव पर एंड होती है, और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आती है, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव पर खत्म भी हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये भी एक सच है, नेगेटिव पे आके क्या हो जाती है, खत्म, और पॉजिटिव से फिर से स्टार्ट, तो ये भी एक रीजन है, ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो जाता है कि नेगेटिव पर खत्म और पॉजिटिव पर फिर से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख के छोड़ देते हैं, देर विल बी, ये बस आप ऐसे करके लिखना चाहो तो बस आपने लिख दिया, वैसे तो ई जीरो हो जाता है अंदर, ये एक्सप्लेनेशन ही हो गया एक तरह से ई जीरो का, और यह वाला एक्सप्लेनेशन हो गया जो हमने बताया कॉन्ट्रडिक्शन वाला, ये भी लिख सकते हो आप। एक लास्ट प्रॉपर्टी, देर विल बी नो ब्रेक्स इन EFLs, हालांकि इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है बट ये वो अलग चीज़ है, देर विल बी नो ब्रेक्स इन EFLs, हाँ मतलब कंटिन्यूस रहती हैं, देर विल बी नो ब्रेक्स इन EFL, दैट इज EFLs आर कंटिन्यूस, why जो होगा वो आपके लिए होमवर्क होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस, लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूस।